हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू द डिजिटल क्लासरूम ऑफ क्लास सेवेंथ। और आज हम पढ़ने वाले हैं इंटीजर्स का आगे का पार्ट। हमने कवर कर लिया था एक्सरसाइज 1.2 तक, और आज हम पढ़ेंगे हमारा आगे का पार्ट जो है कॉम्बिनेशन ऑफ फोर फंडामेंटल ऑपरेशंस। कि हमने पढ़ लिया था एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन। अब हम इन सब का कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे कि इनका कॉम्बिनेशन करके हम चीज़ों को कैसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वी नो दैट द फोर फंडामेंटल ऑपरेशंस आर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। हमें पता है कि वो जो फोर ऑपरेशंस हैं वो हैं एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन है। द फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल्स इन विच टू और मोर ऑफ दीज ऑपरेटर्स आर यूज टुगेदर। यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दिए हैं जिसमें दो या दो से ज़्यादा ऐसे ऑपरेटर्स यूज़ किए गए हैं। पहला है 8 × 3 / 5, इसमें देखिए दो ऑपरेटर्स यूज़ हैं। दूसरा 18 / 3 -8 × 2, इसमें तीन है, डिवाइड है, माइनस है और मल्टीप्लिकेशन है, इसमें भी दो है और सो ऑन, मतलब आगे चलता रहेगा। फॉर द सिंप्लीफिकेशन ऑफ एन एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग टू और मोर फंडामेंटल ऑपरेशंस including the above four operations, the order of simplification must be according to the letters used in word board mass। ठीक, जब भी हम इस चीज़ को सॉल्व करेंगे तो हम इसको board mass के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। board mass क्या है? board mass है b से ब्रैकेट, o से ऑफ, d से डिविजन, m से मल्टीप्लाई, ए से एडिशन और एस से सब्ट्रैक्शन। ठीक, तो इस हिसाब से हम इसे सॉल्व करेंगे। यू हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट बॉर्ड मास इन द प्रीवियस क्लास फॉर द होल नंबर्स। हमने होल नंबर्स के लिए बॉर्ड मास पढ़ा था, यहाँ पर हम इंटीजर्स के लिए कंबाइंड ऑपरेशन के लिए बॉर्ड मास पढ़ेंगे। पहला एग्जांपल क्या है? 28 - 15 / 3 -4 × -6। तो सबसे पहले जो है हम करते हैं डिवाइड। ठीक है, ब्रैकेट है यहाँ पर नहीं है, इसको हम ब्रैकेट नहीं कहेंगे, हम ब्रैकेट कहेंगे जैसे कि होगा 5 - 3, एक ब्रैकेट के अंदर एक ऑपरेशन होगा तो उसको हम बोलेंगे ब्रैकेट। ठीक, तो यहाँ पर सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे, तो 15 / 3 हो जाएगा 5, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 28 - 5 - 4 × -6। अब हम करेंगे मल्टीप्लाई, तो -4 × -6 कर दिया जो 24 आ गया। अब हम करेंगे एडिशन, तो 24 + 28, और फिर हम करेंगे सब्ट्रैक्शन, तो ये आ गया 47। ठीक, ऐसे ही दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। 15 है और फिर ब्रैकेट के अंदर ये सब है और इसके बाद ये सब है, तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे और ब्रैकेट में सबसे पहले हम डिवीजन को सॉल्व करेंगे। तो 32 / 8 क्या हो गया? ये हो गया माइनस का 4, -32 था। ठीक, 15 - 4 और -5, तो 15 × -9 ये हो गया माइनस और -30, तो हमारे पास अल्टीमेटली आंसर आ गया माइनस का 105। अब आप लोग को ये पता चल गया कि मिक्स्ड ऑपरेशन कैसे इंटीजर में होते हैं। और अब हम लोग कुछ और एग्जांपल्स देखने वाले हैं, जैसे कि ये है आपके सामने एग्जांपल 23 और एग्जांपल 24। एग्जाम्पल 23 है 10 × (-5 + 2 - 4). अब किसी चीज़ के ऊपर ये बार आ जाता है, इसको जो ऊपर लाइन बनी है इसको हम बोलते हैं बार। ठीक, तो किसी भी चीज़ के ऊपर अगर बार आ गया तो हम सबसे पहले बार वाला सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमने बार सॉल्व कर दिया, तो प्लस का 2 और माइनस का 4 देगा क्या? माइनस का 2, तो यहाँ पर ये आ गया 10 × (-14 - 5 - 2, तो ये -7 आ गया। तो 10 × -7 को अगर 14 से डिवाइड करेंगे तो -2 आ जाएगा, तो 10 × -2 और ये आ गया अल्टीमेटली 20। ठीक, ऐसे एग्जांपल 24 है, ब्रैकेट के अंदर सबसे छोटे वाले ब्रैकेट के अंदर -3 और प्लस का 2 है, तो इसका आंसर -1 आ जाएगा। फिर बाद में जो है 8 - 5 - -1, क्योंकि यहाँ -1 है तो -1, अब यहाँ पे माइनस और ब्रैकेट है तो -(-), जो हो जाएगा क्या? प्लस, तो
तो 5+1 हो गया इसमें, 5+1 6, तो 8 - 6 / -2, तो पहले हम डिवाइड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 3। ठीक, 8+3, तो इसका आंसर क्या हो गया हमारे पास, 11। तो ये था हमारा आज का वीडियो, और कल हम एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। बाय स्टूडेंट्स।